हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो भाई आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने जो फ्लिपकार्ट से एक ट्राइपॉड मंगाया था, वो भी यूट्यूब के लिए, वो मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए मंगाया था। तो भाई आज मैं उसकी जो अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको ये यूट्यूब के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और उसमें क्या क्या है, हाइट वगैरह जो भी है, मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। और वीडियो में बने रहिए। हेलो गाइज, तो मेरा नाम है वेदपाल और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ए टेक ने बी को। तो भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ अनबॉक्सिंग, चलते हैं वीडियो की तरफ स्टार्ट। तो गाइस ये है, मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। एक्चुअली में जो मैंने ये किया था, ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था और वो भी ऑनलाइन डिलीवरी के साथ। तो मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। मैंने ये पहले खोल दिया था, बट गाइस सबसे पहले इसको ओपन करना है एंड इसको रख देते हैं साइड में। तो गाइस इसको मैंने साइड में रख दिया एंड इसको हम करते हैं यहाँ से, ये है इसका। तो गाइस ये है मोबाइल होल्डर, इसको हम अलग रख देते हैं। एंड अब मेन चीज़ है हमारा ट्राईपोड, इसको हम निकाल लेते हैं। एंड गाइस जो हमारा ट्राईपोड है वो इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो गाइस जो ये ट्राइपॉड है, इसके साथ एक सेफ्टी कवर भी दिया हुआ है। एंड गाइस आपको कहीं बाहर शूटिंग करनी है तो आप इसमें रखकर आप इसको बाहर ले जा सकते हैं। एंड मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो गाइस ये देखो आप, ये देखो क्या स्टैंड है भाई, बहुत अच्छा है। तो गाइस इसके साथ ये कुछ डाटा केबल्स है, ये किस लिए है ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो इसके रख लेता हूँ मैं साइड में और आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ से सबसे पहले जो की बात है, इसको हम कर लेते हैं ऐसे। अब ये क्या है भाई साहब, इसको आप देखिए, बिल्कुल जो हमारा जो मोबाइल होल्डर है इसको हम इसमें सेट करने वाले हैं। यार वो कैसे करेंगे, तो आइए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले भाई यहाँ से ये सेट हो गया, जो हमारा मोबाइल होल्डर है इसको हमने सेट कर लिया है और कुछ इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। अब गाइज इसकी हाइट की बात करें तो गाइज ये कम से कम 4, 10 एंड 4.5 फीट के बड़ा है, एक्चुअली में 5 के करीब है, 5 फीट बहुत हो जाता है। और ये क्या चीज़ है भाई, इसको भी मैं बता देता हूँ गाइज, इसको देखिए आप। एंड गाइस ये है ब्लूटूथ कनेक्शन, इससे क्या फायदा होने वाला है कि इससे हम अपने यूट्यूब चैनल, एक्चुअली में जो यूट्यूब वीडियो शूट करेंगे या कोई भी वीडियो शूट करेंगे तो उसको हम ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के साथ आप दूर से ही अपनी वीडियो को ऑन कर सकते हैं एंड ऑफ कर सकते हो, इसे बोलते हैं ब्लूटूथ डिवाइजर। तो इसको हम यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके हम यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। ये देखो आप, यहाँ से आप ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, ये है ब्लूटूथ डिवाइस, यह वीडियो ऑन ऑफ करने के लिए। इसको आपको किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है, खुद ही आप सेट कर सकते हो। और गाइज मैं इसको खोल कर दिखा देता हूँ। अब भाई साहब ये देखिए, ये क्या चीज़ है, ये कुछ इस तरीके से है ऐसे, इसको हम घुमाएंगे तो ये लंबा और बड़ा हो जाएगा। ये देखिए भाई ऐसे, ये देखो भाई साहब, ये देखो बहुत बड़ा है। एंड गाइज इनकी बात करें तो इनको यहाँ से ऐसे खोलना है दोनों स्टेप को, और यहाँ से इसको ऐसे कर देना है। गाइज मेरा जो कैमरा है वो मेरे कुछ पास है, इसलिए मैं आपको पूरी तरह से दिखा नहीं पाऊंगा एक्चुअली में, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ से कुछ बहुत ही स्मूथली है ये, हाँ जी, तो गाइस यहाँ से बहुत स्मूथली है। और इसको हम कर देते हैं और ऐसे कुछ इस प्रकार तरीका से ऐसे। और गाइस ये देखो आप, मैंने जो इनकी टांगे हैं, एक्चुअली में इसकी जो टांगे हैं मैंने इनको निकाल दिया है, ये देखो आप। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये इसकी हाइट है जो कितनी है, ये देखो भाई। अब ये इतना है, अगर हम यहाँ पर भी फोन रखेंगे, एक्चुअली में अपना जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो यहाँ पर लगाएंगे तो इतना काफी होता है सबके लिए, क्योंकि वीडियो जो होती है ऐसा तो नहीं है आपकी वहां पर हो, आपको पास से ही बनानी होती है। ये देखो भाई ऐसे कुछ इस प्रकार तरीका से ऐसे देख सकते हो आप, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। और गाइज देखो हाइट की बात करें, बहुत ही स्मूथली है एंड स्ट्रॉन्ग भी है। इसकी जो प्लेट है वो गाइज शायद मैंने देखा नहीं था, ये मेरे हिसाब से ये है एल्युमिनियम प्लेट है, एल्युमिनियम का बना हुआ है। और गाइज इसको कर देते हैं हम अब फोल्ड। तो गाइज इस प्रकार से आपको ऐसे करना है। एंड गाइज आप कह दीजिए अच्छा होगा या बुरा होगा, इसके मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। एक्चुअली भाई इसका जो प्राइस है वो है 1,097। तो भाई इतने बजट में इतना ही हो पाता है, अच्छा है, बढ़िया है। एंड गाइज इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम इसको करते हैं फोल्ड और उसी प्रकार रख देते हैं। इनकी जो टांगे हैं इनको हम कुछ इस प्रकार निकाल लेते हैं और ऐसे कर देते हैं फोल्ड। तो गाइस ये ट्राइपॉड आपके लिए बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, इसको आप आसानी से वीडियो शूट कर सकते हो यूट्यूब की या बाहर ओवर ओवर कैसे भी कर सकते हो। और यहाँ से हम इसको सेट कर लेते हैं और इसको हम निकाल भी सकते हैं, और इससे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा ऐसे करना है, ऐसे करना है, या कैसे भी, एक्चुअली में आप किसी भी प्रकार के आपको रोटेट भी कर सकते हैं या साइड वाइड वगैरह में ऐसे आप देख सकते। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ऐसे ऐसे, गाइस इसका लॉक लगा हुआ है, एक्चुअली में इसका जो लॉक है इसको हम ऐसे करते हैं, कितनी कोई सी भी साइड एक्चुअली में किधर भी हम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से इसका ऐसे ऊपर करते ये रोटेट हो जाएगा, और हमने ऐसे कर दिया कुछ इस प्रकार से, यह रोटेट नहीं होगा।
और गाइस एक चीज़ और सीक्रेट है, अब आपको ये दिख रहा होगा ये क्या है, ये तो इसे कहते हैं लेवल। एक्चुअली में हम अपनी जो 90 डिग्री का कोण है, एक्चुअली में जो 90 डिग्री स्टैंड पर इसको रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम जो अपने मोबाइल की अपने मोबाइल को बिल्कुल सीधा एक्चुअली में कति सीधा रख सकते हैं, इसलिए इसमें लेवल दिया हुआ। आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन आप देख लीजिए। तो गाइस ये स्टैंड है यूट्यूब के लिए, अच्छा है, बेस्ट एकदम। एक्चुअली में गाइस महंगे भी आते हैं एंड सस्ते भी आते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये कंफर्टेबल है। और ये मेरा नहीं है, ये मेरे किसी फ्रेंड का है, मैंने आपको जैसा कि बताया था। और इसकी जो प्राइस वाइज मैंने आपको बता दिया है 1097 एक्चुअली में 1100 के करीब है, और मेरे लिए तो ये बेस्ट है, बाकी आप देख सकते हो। और गाइस ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये स्पॉन्सर नहीं है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था इसलिए मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी। और जो इसके साथ जो डब्बा है गाइस ये देखो आप, बहुत ही अच्छा डब्बा है, और इसमें आप कहीं भी पैकर से ऐसे रख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीका से रख के और कहीं भी ले जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं होने वाली। एंड गाइस जो इसका ये है थैला, एक्चुअली में जो हम इसको रखते हैं ये भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें हम आप दोबारा से इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो गाइस इसको मैं यहाँ से ऐसे रख देता हूं। एक चीज़ तो मैं बताना आपको भूल ही गया गाइस, ये देखो अब ये क्या है, इसको भी मैं बताने वाला हूँ कि गाइस इसमें है डाटा केबल, एक छोटी सी डाटा केबल है, ये देखो आप, यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं। अब ये किस लिए है इसको भी बता देता हूँ गाइस, ये आपको दिख रहा है ब्लूटूथ कनेक्शन, इसको चार्ज करने के लिए एक्चुअली में, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये चार्जिंग केबल है, इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीका से एडेप्टर में लगा कर इसको, और इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस इसको मैं देता हूँ रख, और आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट गाइस अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आप भी एक यूट्यूबर हो, क्योंकि आपको तभी देखना होगा। एंड हम इसको कर देते हैं कुछ इस प्रकार तरीका से। एंड गाइस ये देखो अभी मैं इसको साइड में रख लेता हूँ, और ये कुछ इस तरीका से जैसे दिख रहा है। एंड गाइज आपको यह प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके पास कैसा है, मतलब आपके पास कौन सा है जरूर कमेंट में जाकर बताइए। और उसके जो कंपनी वगैरह वो तो इस पर शायद दे नहीं रखी, लेकिन ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था अपने फ्रेंड के। तो आपको यह कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर जाकर बताइए, और आपको यह वीडियो कैसी लगी गाइज। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइस आपको YouTube से रिलेटेड जानकारी देता रहूँगा, और कुछ अनबॉक्सिंग भी आपको लगा के देता रहूँगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जो मैं जब तक जय हिंद वंदे मातरम।